मेरे जीवन की शुरुआत 69 से हुई। मैंने सर्वप्रथम सेंचुरियन का में सर्विस की, वहाँ मुझे 24 इयर्स का अनुभव मिला। और वो अनुभव जब मैंने 93 में बिजनेस शुरू किया, उसके बाद में 96 में मैंने उत्पादन किया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली पेपर कोर पेपर ट्यूब बनाने की, और उसमें हमें काफ़ी सफलता मिली। और उस सफलता के बाद में हमने बॉक्सेज यूनिट डाली, उसमें भी हमें काफ़ी सफलता मिली। शुरू में जब हमने 96 में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू की, उस टाइम में हमारा टर्नओवर अप्रोक्सीमेट 18 लाख था। अभी हम उसको 23 करोड़ में पाया है और हमारे को उम्मीद है कि आने वाले साल में हम इसे डबल करने की प्रयास करेंगे। जब शुरू में हमने यह व्यापार किया था तो जैसा कि सबके साथ होता होगा, लेकिन हमारे साथ तो हुआ कि पूंजी की बड़ी कमी थी, और जो हमको माल देते थे उन्होंने हमको बोला कि भाई आपको पैसे एडवांस देने पड़ेंगे। तो हमने कैसे भी इंजाम करके उनको पैसे एडवांस दिए, और बहुत तकलीफ़ आई हमको शुरू शुरू में बिजनेस करने में, लेकिन हम कभी निराश नहीं हुए। और निराश नहीं होने का एक ही कारण है कि हमारा फैमिली का जो बैकग्राउंड है, हमारे पिताजी ने हमको यही सिखाया है कि जीवन में कितना ही दुख आए, कितनी तकलीफ आए, लेकिन आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसलिए हमारे हौसले बुलंद होने की वजह से हम तकलीफें आती है तो भी हम उसको निपटा लेते हैं। हम जो नॉर्मल क्वालिटी के काम होते हैं उसमें हमको कभी इतनी ज़्यादा रुचि नहीं रही है, कुछ क्रिएटिव करें, कुछ नया करें। और हम इस टाइप की अभी पेपर कोर बॉक्स बनाते हैं जो हमारे कस्टमर हैं वो पहले इंपोर्ट करते थे, और हमने इसको काफ़ी हमारे जो मैनेजर्स हैं उनके सहयोग से, हमारे कस्टमर की गाइडलाइन से हमने डेवलप किया है, उससे हमें काफ़ी सफलता मिली है। और आज हम स्पेशलाइज हैं, और चाइना से इंडोनेशिया से हम पेपर इंपोर्ट करते हैं, कारण कि उतनी बढ़िया क्वालिटी का पेपर भारतवर्ष में अवेलेबल नहीं है। और उससे जो हम कोर बनाते हैं वो एक अद्भुत क्वालिटी बनती है, और उसको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए हमको मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमारे पास एक से बढ़कर एक इंस्ट्रूमेंट है, कुछ इंस्ट्रूमेंट हमने इंपोर्ट भी किए हैं, कुछ इंडियन भी हैं, और हमारे पास ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं हो। हमने ज़रूरत नेसेसरी से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट मंगा रखे हैं, और उनसे हम चेकिंग करते हैं, रॉ मेटेरियल भी चेक करते हैं, क्राप पेपर चेक करते हैं, अधेसिव चेक करते हैं, और भी जितने इनपुट हैं उनको सबको चेक करते हैं, जिससे हमारी क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है। जो भी हमारे कस्टमर हैं, जैसे 18 साल पहले कस्टमर थे, 15 साल पहले हैं, वो जुड़े हुए हैं, और दे आर टेकिंग 100% मेटेरियल फ्रॉम अस। सेकेंडली, अभी तक हमने मोर देन 1 लाख कंसाइनमेंट भेजे हैं पिछले 15 साल में, और आपको ये बता के हमें खुशी हो रही है कि एक भी कंसाइनमेंट आज तक रिजेक्ट नहीं हुआ है। ये हमारी एक टीम का, हमारे कामगार भाइयों का, ये उनकी मेहनत का फल है। क्या है कि कोई भी व्यापार में, ये बहुत ही साधारण बात है, जनरल बात है, कि यदि आपका परचेजिंग इकोनॉमिकल है तो आप हेल्दी कंपटीशन में उतर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा व्यापार में मंत्र है। यदि मैं एक साधारण आदमी की हैसियत से बोल रहा हूँ कि जो आदमी नीतिमत्ता अच्छी रखेगा, अपने सप्लायर की इज्जत करेगा, उसका पेमेंट टाइम पे करेगा, तो सफलता उसके पैर चूमेगी। ये मेरा अपना सोच है, मेरा अपना अनुभव, मेरा ऐसा मानना है, मानना नहीं, मेरा विश्वास है, कोई भी आदमी जीवन में सफल हो सकता है। मेन यही है, उसको काम करने की लगन होनी चाहिए, उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए, उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। हम भी इस चीज़ को मानते हैं, विदाउट विजन सक्सेस हैज़ नो डेस्टिनेशन। और हमारी इच्छा है कि भविष्य में हम जर्मनी जापान की टेक्नोलॉजी भारत में लाएं, और उनके द्वारा बनाई हुई मशीनों के से हम अच्छे अच्छे पैकेजिंग आइटम बनाएं, ताकि हमारे जो पुराने कस्टमर हैं उनको हम ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकें, और नए जो कस्टमर हैं उनको हम डेवलप करने में समक्ष हो सकें, सफलता प्राप्त कर सकें। यही हमारा
विजन है।